किसान भाइयों नमस्कार खेती बाड़ी से जुड़े आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है आज के कृषि समाचार की प्रमुख सुर्खियां हैं वित्त मंत्री भारत सरकार ने कहा खेती के प्रोत्साहन योजनाओं की होगी समीक्षा भारत सरकार जून 2017 तक खरीदेगी 20 लाख टन दलहन देश भर में बनेंगे 100 दलहन बीज हब और देश में दुग्ध उत्पादन में निरंतर वृद्धि किसान भाइयों अब कृषि समाचार विस्तार से किसान भाइयों जल्द ही खेती को प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं की समीक्षा की जाएगी वित्त मंत्री ने तकनीकी पर जोर देते हुए कहा हमें विशेष तौर पर अधिक पैदावार और रोग प्रतिरोधी बीजों का चयन सिंचाई के लिए किफायती पानी का प्रयोग नई सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल जिसमें मौसम के अनुरूप चरणों में बुआई की जा सके आदि बातों पर ध्यान देना होगा यह बात वित्त मंत्री भारत सरकार ने गत दिनों मिलने आए किसान संगठनों से कहा इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कृषि क्षेत्र प्रोत्साहन ढांचे की समीक्षा की जाएगी किसान भाइयों भारत सरकार आगामी जून 2017 तक 20 लाख ,00 टन दलहन खरीदकर दलहन का बफर स्टॉक पूरा करेगी मूल्य वृद्धि होने पर तुरंत इन्हें बाजार में उतार दिया जाएगा उपभोक्ता मामलों के सचिव ने बताया कि देश में दो हजार में दो करोड़ टन दलहन उत्पादन का अनुमान है ऐसे में दस लाख टन दलहन की खरीद हो चुकी है शेष दलहन आयात किया जाएगा अभी तक इस वित्त वर्ष में 35 लाख टन दलहन आयात किया जा चुका है भारत सरकार दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए पूरे देश में 100 दलहनी बीज हब बनाने जा रही है किसानों के लिए इन तमाम हबों में चालू फसल वर्ष के दौरान लगभग पांच हजार क्विंटल गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज दलहनी बीज वाजिब कीमतों पर बुआई के लिए मुहैया करा दिए जाएंगे इन हबों के निर्माण के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय 230 करोड़ रुपए स्वीकृत भी कर चुका है सबसे ज्यादा सात बीज हब उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं ये हब कानपुर फैजाबाद मेरठ मऊ चित्रकूट ललितपुर देवरिया जिलों में बनेंगे इन बीज हबों में अरहर उर्द मूंग मसूर चना मटर आदि के प्रमाणित बीज तैयार करके किसानों को बुआई के लिए दिए जाएंगे भारत में दुग्ध उत्पादन पिछले दस वर्षों से निरंतर बढ़ रहा है भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता बढ़ाने और दुधारू पशुओं की वृद्धि बहुत जरूरी है डेयरी क्षेत्र के अंशधारकों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा वैश्विक दुग्ध वृद्धि 2.2 प्रतिशत का है वर्ष दो हजार में भारत में दुग्ध वृद्धि 6.7 प्रतिशत रहा पिछले साल देश में 15.55 करोड़ टन का रहा कृषि मंत्री ने आगे कहा कि देश के किसानों की आय 2022 तक दुगना करने के लिए दुग्ध उत्पादन मछली पालन बागवानी जैसे कृषि आधारित गतिविधियों में वृद्धि के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं गन्ना पिराई के लिए उत्तर प्रदेश में अब तक 55 पिराई मिलें चालू हो चुकी हैं इन मिलों से 15 नवंबर तक 1.93 लाख टन चीनी उत्पादन भी हो चुका है शीघ्र ही और मिले भी शुरू हो जाएंगी किसान भाइयों आपको बताते चले कि पिछले पेराई सत्र में इस अवधि तक सिर्फ छह चीनी मिले ही चालू हो पाई थी सरकार ने प्रदेश के गन्ना किसानों के हित में गन्ना समर्थन मूल्य पच्चीस रूपए प्रति क्विंटल कर दिया है अब किसान भाइयों को सामान्य प्रजाति के लिए तीन सौ प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का मूल्य दिया जाएगा इतना ही नहीं गन्ना किसानों को अब तक एक मुश्त भुगतान किया जाएगा किसान भाइयों कृषि समाचारों खेती बाड़ी की समसामयिक जानकारियों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों में प्रमुख जींसों के ताजा औसत भावों की गेहूं फिरोजाबाद में एक हजार नौ सौ रुपए प्रति क्विंटल आगरा में एक हजार नौ सौ दस रुपए प्रति क्विंटल कासगंज में एक हजार नौ सौ चालीस रुपए प्रति क्विंटल और मवाना में एक हजार नौ सौ पच्चीस रुपए प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं रहा चावल फिरोजाबाद में दो हजार पांच सौ दस रुपए प्रति क्विंटल आगरा में दो हजार पांच सौ दस रुपए प्रति क्विंटल कासगंज में दो हजार दो सौ पैंतालीस रुपए प्रति क्विंटल और मवाना में दो हजार दो सौ नब्बे रुपये प्रति क्विंटल के भाव से रहा सरसों फिरोजाबाद में चार हजार एक सौ चालीस रूपए प्रति क्विंटल आगरा में चार हजार एक सौ तीस रूपए प्रति क्विंटल कासगंज में चार हजार दो सौ बीस रूपये प्रति क्विंटल और मवाना में सरसों चार हजार एक सौ तीस रूपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा गुड़ फिरोजाबाद में तीन हजार चार सौ साठ रूपए प्रति क्विंटल आगरा में तीन हजार चार सौ दस रूपये प्रति क्विंटल कासगंज में तीन हजार तीन सौ रूपये प्रति क्विंटल और मवाना में गुड़ दो हजार छह सौ पचासी रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा टमाटर फिरोजाबाद में एक हजार तीन सौ सत्तर रूपये प्रति क्विंटल आगरा में एक हजार एक सौ चालीस रूपये प्रति क्विंटल कासगंज में एक हजार रूपये प्रति क्विंटल और मवाना में टमाटर एक हजार चालीस रूपये प्रति क्विंटल के भाव से रहा तो किसान भाइयों ये थे आज के कृषि समाचार समसामयिक कृषि कार्य और औसत मंडी भाव कृषि दर्शन के अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां तब तक के लिए हमें अनुमति दें नमस्कार सब्जी में मसाला ज्यादा है कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है और तुम जो हमेशा खेत में अनाज अनाथ कीटनाशक डालते हो उसका क्या ठीक ही तो कह रही है बहू देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए पहले फेरोमोन ट्रैप लाइट ट्रैप मित्र कीट जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं दवा के डिब्बे छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें अब कुछ समझे क्या हाँ समझ गया मेरी रानी अब ना करो ना दानी इसने पिला दिया ना तुझे पानी जी 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 किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था सुबह भी रात को भी किसान कॉल सेंटर सुबह छह बजे से रात को दस बजे तक खुलता है रविवार को भी साल के तीन सौ पैंसठ दिन खुलता है पर... तुम ये सब क्यों पूछ रही हो मैं तो कुछ और ही समझी थी कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य एक, एक, एक पाँच पाँच एक आरोप सम्पर्क कर अरे सुन तो मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो सुना मेरी स्वातन को किसको अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। हे? अच्छा ये बात है क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या अब तो झट से बात हो जाती है ऐसा क्या हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है ये देखो आ गया अरे वाह इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है कृषि <laughs> संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर यूरिया का स्वदेशी उत्पादन सत्तर लाख टन बढ़ाने के लिए छह उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है एफ के गोरखपुर तलचर और रामागुंडम संयंत्र, रामागुंडल की बरौनी इकाई और बीवी एफ की नामरूप फोर्थ सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन दस फीसदी तक बढ़ेगा, बढ़ेगी दस से पंद्रह फीसदी नाइट्रोजन क्षमता किसान भाइयों नमस्कार स्वागत है आप सबका आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम कृषि दर्शन में किसान में जैसा कि अभी हमने कृषि समाचार सुने और मंडी भावों के बारे में जाना अब आगे चलते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं कि आज हम क्या नई जानकारी प्राप्त करेंगे जैसा कि किसान भाई हम सभी जानते हैं कि इस वक्त जो है वो धान की कटाई का समय चल रहा है कुछ किसान भाई धान की कटाई कर चुके हैं और कुछ किसान भाई जो है आने वाले समय में धान की कटाई करेंगे और गेहूं के बुआई की तैयारी भी करेंगे यानी कि समय अब आ चुका है नई फसल को बोने का लेकिन जब हम नई फसल बोते हैं अपने खेतों में तो उससे पहले यानी कटाई कर चुके हैं और नई फसल बुआई करने जा रहे हैं उसके बीच में हम क्या क्या बातें ध्यान रखें कौन कौन सी हमें तैयारी करनी है किस तरीके की प्रजातियों का चयन करना है ताकि एक बढ़िया उत्पादन हम अंत में प्राप्त कर सके यानी गेहूं का बढ़िया उत्पादन प्राप्त कर सके तो आज के अंक में हम इन्हीं सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि गेहूं की प्रजातियों का चयन कैसे करें और क्या हम तैयारियां करें और इन सब बातों के बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद से प्राध्यापक डॉक्टर अख्तर हुसैन आइए उनका स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कृषि दर्शन में मैं अपने सभी किसान भाई की तरफ से जानना चाहता हूं कि अगर हमारे किसान भाई जो इस वक्त धान की कटाई

प्रदेश की एक प्रमुख फसल है और 70 से 75 परसेंट रकबे में गेहूं की खेती की जाती है यहां पे मैं किसान भाइयों को दो तीन चीजों के बारे में बहुत खास बताना चाहूंगा जहां तक प्रजातियों की बात है तो गेहूं में जो प्रजातियों का चुनाव होता है उसमें दो तरह की प्रजातियां होती हैं एक तो समय से बोई जाने वाली प्रजाति दूसरा होती है देर से बोई जाने वाली प्रजाति समय से बोई जाने वाला वाली प्रजात का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि हम इसको उस जो तापक्रम हमारा है अवरोधक है उत्पादन में गेहूं को उसको समय से बुआई कर लेते हैं जिन किसान भाइयों के खेत खाली हो चुके हैं जो समय से खाली होंगे तीस नवंबर तक खाली बुआई करेंगे या पाँच दिसंबर तक करेंगे उनको हम कहते हैं समय से बोई उस समय जब इनमें बालियां निकलेंगी और अवस्था इसमें आएंगी तो उस समय तापक्रम इतना ज्यादा नहीं रहेगा इसलिए इनकी पैदावार बहुत अच्छी होती है लेकिन हमें चयन करना है प्रजातियों का अगर हम समय से बोई जाने वाली प्रजातियों का चयन समय पर ही बोते हैं तो अच्छी पैदावार होगी लेकिन देर से बोई जाने वाली प्रजातियों का अगर हम बुआई समय पर करते हैं समय से बोई जाने वाली तो उनका पैदावार नहीं अच्छा होगा इसलिए जो जातिया समय से बोई जाने वाली हैं उसके बारे में किसान भाई नोट कर लें कि जो हमारे प्रमुख रूप से डॉक्टर साहब जैसा कि मतलब ये है कि जैसे अभी समय चल रहा है कुछ किसान भाई जो है वो कटाई कर चुके होंगे धान की और गेहूं की बुआई की तैयारी करेंगे कुछ किसान भाई खेतों में कुछ फसलें खड़ी होंगी चाहे वो धान हो या कोई अन्य फसल हो और उसके बाद काटने के बाद वो गेहूँ की बुआई करेंगे जाहिर इस बात थोड़ा सा समय लगता है और अभी तापक्रम वो कम ही कम होता जाएगा आगे जाड़ा आ रहा है तो ये जो जैसे कुछ तैयारियां शुरुआत में करते हैं जैसे उन्होंने मान लिया धान की कटाई हार्वेस्टिंग से की कंबाइन हार्वेस्टिंग से की है तो उस वो अगर उससे कराई की है तो क्या ध्यान रखेगा देखिए जो किसान भाई कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं उसमें जो ठूट रहता है करीब आपका आठ से दस इंच तक रहता है हुँ. तो इस ऊंचे ठूट को किसान भाई जलाएं बिल्कुल नहीं हुँ. क्योंकि वो समझते हैं कि हम जला देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा जबकि उसमें जो अच्छे प्रकार के आपके बायो एजेंट्स पाए जाते हैं तमाम किस्म के बैक्टीरिया और फंजाई पाए जाते हैं जो फायदेमंद होती हैं जो हमारी फसलों को लाभ पहुंचाती हैं वो खत्म हो जाती हैं दूसरे पर्यावरण भी दूषित हो जाता है और तमाम तरह के धुएं निकलने से वो वो होती है इसके लिए किसान भाई ये करेंगे जब उनकी धान की खेत में कंबाइन हार्वेस्टर से कट गया तो बहुत से किसान भाइयों के पास रेजर एक आता है वो एक असेंबली है जो ट्रैक्टर के पीछे लग करके किसी के पास रहे वो किराए पे अपना जैसे कंबाइन हार्वेस्टर से उन्होंने कटाई करा है तैसे उस ठूट को काट काट देते हैं तो बिल्कुल वो चिकना सा खेत हो जाता है ठूट नहीं रह जाता जैसे हंसीए से काटते हैं तो थोड़ा सा एक इंच से ठूट पड़ा रह जाता है और एक अब उस किसान भाइयों को इसको डिस्क डिस्कैरों से जुताई कर लें अगर उनके पास है या रोटावेटर से जुताई कर लें और जुताई करने के उपरांत उसमें यूरिया डाल दें बीस से पच्चीस किलो प्रति हेक्टेयर की दर से इसलिए यूरिया डाल दें अगर उन्होंने मान लीजिए जुताई करने के पहले ही पानी चला दिया है तो थोड़ी सी नमी रहेगी यूरिया जो है आपको सड़ने में इनके ठूट को मदद करेगा और ये जब सड़ेंगी तो डिकम्पोज होकर के इसमें से नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास जो भी इनकी कम ज्यादा मात्रा है वो पौधे और देखो फिर उपलब्ध होगी और साथ ही साथ आपका खेत में ह्यूमस मिलेगा जिससे वो ताकतवर होगा खेत तो इसलिए मैं यहां किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि जो भी किसान भाई गेहूं की खेती कर रहे हैं वो कभी भी टूट ना जलाएं हमेशा वो रेजर से काट दें अगर रेजर नहीं है तो वैसे भी, भी कर दें तो भी वो फायदेमंद तो, तो भी वो चल जाएगा। चल जाएगा। जाएगा, हाँ। अब यहाँ पे हम प्रजातियों की बात करेंगे कुछ प्रजातियाँ बहुत अच्छी हैं, जिनकी पैदावार 55 से 60 साठ क्विंटलियाँ उस, उसमें आपकी एस डी उनतीस सौ सड़सठ एक प्रजाति है एनडब्ल्यू दस सौ बारह नरेंद्र की प्रजाति है उसके अलावा पीबी डब्ल्यू तीन सौ तिरालीस है पीबीडब्ल्यू चार सौ तिरालीस है और एच यू डब्ल्यू चार सौ अड़सठ है के तीन सौ सात है इस तरीके से जो भी प्रजाति उनकी मिलती है उसको या डी बी डब्ल्यू सत्रह भी ले सकते हैं डी बी डब्ल्यू उन्नीस भी उनतालीस भी ले सकते हैं ये सारी प्रजातियां बहुत अच्छी प्रजातियां हैं अगर कि, किसान भाई इनका चयन करेंगे तो निश्चित रूप से इनको पचास से पचपन कुंटल कभी कभी तो साठ कुंटल होती है लेकिन पचास से पचपन कुंटल मानिए क्योंकि इनको भरपूर समय मिल जाता है जो इनकी पकने का अवधि है एक से एक दिन ये पूरा मिल जाता है और गेहूं की पैदावार में जो हम लोग कमी देखते हैं खास करके जब पछुआ हवाएं चलती हैं फरवरी में तो उस समय जो दाने बन जाते हैं तो जब आपने नवंबर के समय तो तापक्रम होता है गेहूं का तापक्रम जो होता है चौदह पंद्रह डिग्री पे बुआई करना चाहिए और गेहूं के लिए 30 से बत्तीस डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए जब आपकी बालियां बनती हैं और दुधा अवस्था आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले दिनों में जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तापक्रम बढ़ेगा तो हमको समय से करना पड़ेगा बहुत से किसान भाइयों ने हमारे ऐसे खेत खेतों में अपनी धान की फसल लगा रखी है जो थोड़ी नीची है वहाँ पे उन्होंने सोड़ा मसूरी या सावा मसूरी लगाई है 150 से 155 दिन की होती है उसकी कटाई देर से होती है आखिरी हफ्ते में नवंबर के होगी या पहले हफ्ते में दिसंबर में होगी अगर वो दिसंबर में दस दिसंबर या पंद्रह दिसंबर में बोते हैं कुछ किसान भाई हमारे लेट इसलिए बोते हैं क्योंकि उनको जो गन्ना काट करके मिलों पर पहुँचा देंगे या उनसे गुड़ बना लेंगे वो खेत भी खाली हो जाएंगे या जो किसान भाइयों ने तोरिया की खेती की है उन्होंने सितंबर में तोरिया लगाया है तोरिया की कटाई नवंबर में हो जाएगी आखिरी नवंबर में तो उनको भी थोड़ा सा लेट हो जाता है या तूरिया थोड़ा लेट लगाया डॉक्टर मतलब साहब कहने का मतलब आपका ये है कि जो किसान भाई अगर समय से जो बुआई करते हैं तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा वो उत्पादन ज्यादा बेहतर वो बेहतर है लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि अगर वो समय से बोना भी चाहे तो नहीं बो सकता हाँ, वो परिस्थितियां ऐसी कि अगर उनने कोई और फसल लगाई लगा खेत खाली खाई खेत खासकर जो गन्ना किसान भाई लगाते हैं गन्ने में क्या है गन्ना या धान भी अगर उनकी ऐसी प्रजातियां हैं जो देर से उन्होंने पकने वाली ज्यादा आवद वाली प्रजातियां हैं

ज जो है देर से बोई जाने वाली प्रजातियां हैं उसके बारे में बताना चाहेंगे उसके लिए एनडब्ल्यू दस सौ चौदह है एनडब्ल्यू बीस छत्तीस है पीबीडब्ल्यू पांच सौ दो है पीबीडब्ल्यू तीन सौ तिहत्तर है राज तीस पैंसठ है यूपी चौबीस पच्चीस है उन्नत हलना एक उन्नत हलना बहुत है कि कितना भी अगर आपका लेट होता है वैसे तो आप लेट ना करें लेकिन मजबूरी में अगर आपका खेत देर से खाली होता है तो उन्नत हलना लें उन्नत हलना कानपुर की वैरायटी है और इसका बहुत बोल्ड दाना होता है इवन आप अगर इसको दिसंबर में भी लगा देंगे दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक वैसे आपको नहीं करना चाहिए लेकिन बाई वे अगर ऐसी परिस्थितियां हैं कि उन परिस्थितियों को आप नहीं वो कर सकते तब भी लगाएंगे तो हल्ला बहुत वो दाना होता है और इनकी पैदावार जो पैंतीस से चालीस कुंट होती है और इनके जो बीज रेट है उनको एक सौ पच्चीस से एक सौ तीस किलो क्योंकि इसमें किले कम बनते हैं इसलिए जब किले कम बनते हैं तो आप बीज दर जब बढ़ा देंगे और जो स्पेसिंग है हुँ. अगर आप लाइन से बोते हैं वो भी आपको थोड़ा सा घटा देंगे हुँ. तो उसकी मात्रा पर्याप्त हो जाएगी जो पौधों की संख्या जब हम पौधों की संख्या पर्याप्त पाएंगे तो उसमें जो कल्ले बनते हैं जो टीलर होते हैं उस टीलर पे हमारी पैदावार होती है क्योंकि जो समय से बोई जाती है उसमें आठ दस ग्यारह टीलर होते हैं जो लेट बोई जाती है उसमें टीलर की संख्या छह सात होती है एक चीज और जानी है जैसे समय से आपने कहा कि मतलब जल, जितना जरूरी हो पहले ही हाँ। किसान भाई समय से ही बुआई करें दिसंबर के अंत तक ना जाए वैसे क्या अधिकतम समय किसान भाई कब क्या दिसंबर तक उनको कर लेना चाहिए अगर वो पंद्रह दिसंबर तक कर पाए लेकिन बाई अगर उनके खेत देर से खाली होती जैसे गन्ने के खेत ऐसे ध्यान रखते हैं जिन किसान भाई पर खेत खाली है वो कर रहे हैं वो वो, वो कर, देर ना करें वो देर ना करें आ, लेकिन कभी कभी किसानी के के खेतों में ये प्रॉब्लम हो जाती है उनको बीज नहीं मिला खाद नहीं मिला तमाम समस्याएं हैं उसके साथ साथ कभी उनको पानी नहीं मिला तो ये तो, हो सकता है डॉक्टर साहब जिनके पापस अभी खेत खाली नहीं हो पहले से बीज की व्यवस्था कर ले वो अभी सा, से सारे निवेशों का प्रबंध कर ले अच्छा जो समय से बोई जाने वाली प्रजातियां हैं किसान भाई लगाते हैं या देर से बो वाली प्रजातियां हैं तो उसके पहले जो खेतों में थोड़ी बहुत तैयारी करनी है वो किस तरह से किसान भाई ध्यान रखें देखिये किसान भाइयों को तो एक तो बता दिया ठूट वाला मसला बता दिया गया दूसरे पर्याप्त नमी है और वो बो सकते हैं तो उनको पानी चलाने की आवश्यकता नहीं है जिसको हम पलेवा करना कहते हैं लेकिन अगर उनकी जमीनें थोड़ी सी ऊंची है या नमी की बहुत कमी है तो उन परिस्थितियों में उनको क्या नाम है पानी हल्का सा चला दें चूंकि जाड़े का मौसम चल रहा है देर से सूखेगा तो अगर खेत बराबर नहीं है तो जहाँ पे नीचा पानी लग जा रहा है उसको पानी को निकाल दें कि सारे खेत एक साथ ओट आए और उस समय बुआई कर लें दूसरे अगर बिना जूते खुद खेत में वो पलेवा करते हैं तो जल्दी सूखेगा अगर जुत गया है खेत तो उसमें पलेवा करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा तो इसलिए इन सबों चीज़ों का उनको ध्यान में रखना नितानश आवश्यक है जैविक खेती पर ज्यादा जोर दिया अगर किसान भाई खेत की तैयारी भी करेंगे कर तो उसमें जैविक खेती, को ध्यान क्या -क्या करेंगे भाई? जैविक खेती की जब हम बात करते हैं चूंकि हम अपने फसलों में यूरिया पोटास डाई सारे जो रासायनिक खादे हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें जैविक नहीं कर सकते कम से कम दो तीन साल तक उनको ऐसी खेती करनी होगी जिसमें एक दाना भी उनको रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना, ना हुआ हो करे, हाँ। ताकि उसका वो असर खत्म हो जाए अदरवाइज जो आप नीचे जो पड़ा रहेगा जमीन के अंदर वो तो पौधे की जड़ें लेंगी क्योंकि पौधा की जड़ें ही उसके मुंह हैं और उसके द्वारा ही पौधे अपने पोषक तत्वों हाँ। को ले लेते हैं और बाकी अपने हरे रंग से से होने से फोटोसिंथेसिस करके ड्राई मैटर अपना प्रोड्यूस करते हैं और उसी से हिल्ड करते हैं तो तो सब क्या सलाह देना चाहेंगे तो किस, अंत में किसान भाइयों के क्या ध्यान रखें देखिए किसान भाइयों को दो तीन चीज़ों पे एक तो जो प्रजातियां बताई गई हैं वो उन्हीं प्रजातियों का किसान भाई चयन करें बीज शोधन अगर उनके घर का बीज है उसको शोधित नहीं है तो शोधित कर लें अगर उनके घर का बीज नहीं है बाहर से लेते हैं तो अधिकतर बीज शोधित रहते हैं बीज शोधन बहुत कम पैसे में होता है उससे बीमारियाँ जो बीज जनित बीमारियाँ वो, वो नहीं बचाव होता और बेहतर उत्पादन बेहतर उत्पादन तो प्राप्त हो डॉक्टर साहब जैसे कि आपने भी बताया कि किस कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें खासकर समय से बोने वाली और देर से बोने वाली प्रजातियों में और बुआई से पहले किसान भाई क्या क्या ध्यान रखें ताकि जो है अंत में उनको एक बेहतर उत्पादन प्राप्त हो और तापमान का एकदम सही ध्यान रखें कब करना है और अंत में कब हमें कटाई करनी तो इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें आप अगर ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर जो आप अपने मन में सोच कर चले हैं कि हमें इतना उत्पादन प्राप्त करना है इस बार इतनी है, जो है हमें मूल्य प्राप्त करना है तो आपको बिल्कुल मिलेगा बस ये है कि समय से समय का ध्यान रखें अभी चूंकि बुआई का समय चल रहा आप तुरंत जो है तैयारी शुरू कर दें बुआई का काम शुरू कर दें ताकि अंत में जो है आप समय से ही आप जो है फसल की कटाई कर सकें और बेहतर मूल्य जो है बाजार में प्राप्त कर सके ऐसी ही विभिन्न जानकारियाँ लेकर समय समय पर हम आते रहेंगे तब तक के लिए नमस्कार thank <music> you